नमस्कार दोस्तों, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है चिकन सीख कबाब। इसके लिए हमें चाहिए चिकन मीट जो कि फ्रोज़न हो, फ्रोज़न जिसका तापमान है -18 डिग्री सेल्सियस। यह है बोनलेस चिकन फ्रोज़न मीट। और इसके साथ साथ हमें एक और इंग्रेडिएंट, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए जिसका नाम है चिकन स्किन। अब सबसे पहले हम इन फ्रोज़न ब्लॉक्स को 1/2 इंच के टुकड़ों में फ्रोज़न ब्लॉक कटर मशीन या फिर जिसको बैंड सॉ भी कहा जाता है उससे हम कट कर लेंगे। देखिए, हमारी दूसरी स्टेप है जो हमने फ्रोज़न ब्लॉक कट किए हैं बोनलेस मीट के और स्किन के, चिकन स्किन के, हम उनको अब मिंसर में डालेंगे। यह है हमारी मिंसर मशीन जो कि एज नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम भातित हो रहा है, ये मिंस या इसको बारीक टुकड़े करेंगे। ये टुकड़े होंगे हमारे, इसमें अलग अलग प्लेट्स आती है, 6 mm, 8 mm, 4 mm, 3 mm, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी साइज डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे कबाब्स के लिए अब हम इसमें 3 mm साइज़ के चिकन स्किन के पहले मिंसिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद बोनलेस चिकन की हम मिंसिंग करेंगे 3 mm की। हमारी थर्ड स्टेप है बाउल चॉपिंग या बाउल चॉपर, ये मशीन है। इसमें हमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, पहले तो है सोया ग्रैन्यूल्स या फिर सोया फ्लेक्स। इसका मेन फंक्शन है कि ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ाएगा, इसे एक्सटेंडर भी कहा जाता है क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सटेंड करता है। फिर है आइस चिली, इसके साथ साथ हमें जिस तरह का टेस्ट या फिर फ्लेवर चाहिए उस तरह के हम मसाले स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे सॉल्ट, फॉस्फेट एंड स्पाइसेस मिक्स। और फिर जो हमने 3 mm के टुकड़े कर लिए हैं चिकन स्किन और मीट के, वो हम इसमें डालेंगे। क्योंकि हमारी पहली बैच अभी इसमें हो चुकी है, इसलिए आपको यह दिख रहा है कि ये मशीन थोड़ा सा अनक्लीन सा है। ये बाउल चॉपिंग स्टेप जो है, इसका महत्व यह है कि जो भी हमारा मिंस हुआ हुआ मीट और स्किन है और बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, इसको फर्दर हमें और भी मिंस करना है, चॉप करना है, एज वेल एज मिक्स करना है। सो इट इज़ बेसिकली मिंसिंग एंड चॉपिंग प्रोसेस डन टुगेदर। इसके बाद हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे, प्रोडक्ट का टेम्परेचर देखेंगे। ये प्रोब थर्मामीटर है, देखिए अभी इसमें टेम्परेचर है 24.6 और हम प्रोडक्ट का टेम्परेचर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री से कम है, तो ये हमारा बहुत ही योग्य मिश्रण है आगे की हमारी प्रोसेस के लिए। हमारा सीख कबाब में हमारा चौथा स्टेप है, हमारा जो इमल्शन बाउल चॉपर में तैयार हुआ है वो हमने 8 से 10 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए 0-4 डिग्री सेल्सियस या चिलर में रख दिया था। अब वही इमल्शन या मिक्सचर कह लीजिए,
वो हम सीक पे उसका फिलिंग करेंगे। अब इस फिलिंग के लिए हमें जो मशीन की ज़रूरत है उसका नाम है वैक्यूम फिलर। देखिए ये प्रोसेस कैसे होती है। देखिए ये सीक है, ये स्टेनलेस स्टील, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और इस पे हम अपना इमल्शन वैक्यूम फिलिंग मशीन से चढ़ाते हैं। जब हमारी 5 से 10 ट्रेस तैयार हो जाए तब हम इस स्ट्रेट ट्रेस को कुकिंग के लिए ओवन में शिफ्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेज लोड हो चुकी है और आप जानते हैं कि चिकन सीख कबाब एक रोस्टेड प्रोडक्ट है, तो बेसिकली एक कॉम्बी ओवन है, इसमें हम हर बहुत प्रकार की कुकिंग कर सकते हैं। तो रोस्टिंग एक प्रकार की कुकिंग मेथड है। तो कुकिंग के लिए हमें टेम्परेचर ओवन का रखना है 220 डिग्री सेल्सियस, 80% हमें ह्यूमिडिटी रखनी है और कुकिंग टाइम होगा हमारा, रोस्टिंग टाइम होगा 12 मिनट का। आप देख सकते हैं मशीन स्टार्ट हो गई है, ओवन स्टार्ट हो गया है, टाइम कम होता जाएगा और जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही अलार्म दे देगा। अभी हमारा 12 मिनट का समय ख़त्म हो गया है और अब हम अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे और कूल करेंगे। देखिए ये प्रोसेस कैसे होती है। सीक कबाब को, अब कबाब को सीक से निकालना भी एक टेक्निक है। निकालने के बाद, कबाब सीक से निकालने के बाद अगर आप इसको हमारे पैकेजिंग रूम में जहाँ पे टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास है उसमें रखते हो तो एक घंटे में लगभग ये कूल हो जाता है और उसके बाद आप इसके पीसेस बना के आप पैक कर सकते हो। अभी हमारी अगली स्टेप है, जैसे ही हमने ओवन से कबाब्स निकाल लिए अब हमें उनको ठंडा होने देना है, क्योंकि ओवन का टेम्परेचर आपने देखा 200 डिग्री सेल्सियस था। जब प्रोडक्ट कूल हो जाए तो हमें इसको समान हिस्सों में काटना है। तो एक हमारा कंप्लीट सीख कबाब 3 टुकड़ों में बांटा जाएगा। ये डिपेंड है आपको कितने वेट का एक पीस चाहिए। जैसे कि लगभग हमारे यहाँ अभी 40 से 50 ग्राम का एक पीस होगा और लगभग 10 पीस होंगे तो 500 ग्राम वज़न का एक पैकेट बन जाएगा। सो ये कटिंग हो रही है और ये फिलिंग हो रही है, वेइंग कर लेंगे और फिर हम इसको पैक करेंगे। नाउ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, पैकेजिंग के टाइम जो कमरे का तापमान है वो होना चाहिए आपका 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। हमारे रॉ प्रोसेसिंग के टाइम भी सेम टेम्परेचर हमें चाहिए, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नहीं मेंटेन करते रूम टेम्परेचर तो फिर हमारे प्रोडक्ट में बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबियल काउंट हाई आ सकता है और फिर हमें क्वालिटी में इश्यूज, हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ में इश्यूज़ आएंगे। तो हमें सारी सेफ्टी और सारे टेम्परेचर और बाकी सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे, वैक्यूम पैकेजिंग। जैसे कि मैंने टिक्का में बताया आपको कि वैक्यूम पैकेजिंग क्यों करते हैं, इसका वही है, शेल्फ लाइफ हमें एक्सटेंड करनी है। सो जब हम इसको -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे पैकिंग के बाद तब इसका हमें जो शेल्फ लाइफ मिलेगी इसकी वो होगी लगभग 6 महीनों से लेके 9 महीने तक।
आइए वैक्यूम पैकेजिंग देखते हैं। देखिए अब हम वैक्यूम पैकिंग करेंगे। मैंने कहा था आपसे कि हम चार पैकेट एट ए टाइम रख सकते हैं एक साइड में, दूसरी साइड में भी हम चार रख सकते हैं। करिए, हमारे पैकेट पे हमने लिख रखा है कि प्रोडक्ट हमें -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रखना है लगातार। जैसे ही वैक्यूम पैक हो जाए आपको मेटल डिटेक्टर से पास करना है प्रोडक्ट, और तभी ये ब्लास्ट फ्रीजिंग में जाएगा या फिर आगे कोल्ड स्टोर में जाएगा। अब हमने मेटल डिटेक्टर से हमें प्रोडक्ट ब्लास्ट फ्रीजिंग में रखना है जिसका तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस। इसे हम 8 से लेके 12 घंटे तक -40 डिग्री सेल्सियस में हमारे पैकेट्स रखेंगे। जनरली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा माल होता है तब हम उसको एक पैकेट में डाल के, एक बड़े कार्टून बॉक्स में डाल के हम उसको ब्लास्ट फ्रीजर में रखते हैं 8 से 12 घंटे के लिए -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोर -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे शिफ्ट करते हैं। अब 8 से 12 घंटे के बाद हमें प्रोडक्ट ब्लास्ट फ्रीजर से कोल्ड स्टोर में शिफ्ट करना है। पहले हम उसके लिए इसे कार्टून बॉक्स में बंद करेंगे और मशीन रैपिंग इस पे सीलिंग से हम इसको पहले सील करेंगे। ये लगभग 20 किलो का एक बॉक्स है और इसको हमें -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज़ कोल्ड स्टोर में हमें रखना है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट 6 से 9 महीने के लिए रखा जा सकता है। जब तक आपके क्लाइंट की डिलीवरी नहीं होती तब तक प्रोडक्ट यही रखा रहेगा। क्लाइंट और ये क्लाइंट के पास भी रेफ्रिजरेटेड व्हीकल या कोल्ड स्टोर व्हीकल में ही जाएगा, और आगे क्लाइंट भी इसको या डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर भी इसको -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या कोल्ड स्टोर में ही रखेंगे, और कंज्यूमर भी जब अपने घर लाएगा तब तक ये प्रोडक्ट -18 पे मतलब उनके फ्रीज़र में रखा जा सकता है। हमारा प्रोडक्ट चाहे चिकन कबाब हो, चिकन टिक्का हो या और भी कोई रिलेटेड प्रोडक्ट हो, हमें हमारी जो प्रोसेस है पैकेजिंग के बाद की, हमें पहले ब्लास्ट फ्रीज़र में रखना है ओवरनाइट फॉर -40 टेम्परेचर फॉर 12 आवर्स, और फिर हमें कार्टून में पैक करके उसे कोल्ड स्टोर -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना है। धन्यवाद। आज आपने मीट व्यवसाय से संबंधित लघु उद्योग स्थापित करने की तकनीक को जाना। मीट न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। ऐसे में इस व्यवसाय को शुरू करना काफी लाभदायक है और साथ ही मुनाफा देने वाला भी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10,00,000 रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट का 35% का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी दे जाएगी।
योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की जानकारी हेतु आप 01302281089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।